मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, पर हमारी कास्ट अलग है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पर वो लोअर कास्ट से है, तो मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। प्लीज टॉक अबाउट इंटरकास्ट मैरिज। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट इंटरकास्ट मैरिज। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक कास्ट का लड़का या लड़की दूसरी कास्ट की लड़की या लड़के से शादी करना चाहे या फिर शादी करे तो उसको कह सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज। वो कोर्ट तो आपने सुना ही होगा, जब लड़का लड़की राजी तब क्या करेगा काजी। वेल आई डोंट नो अबाउट द काजी, बट समाज इज नेवर राजी व्हेन इट कम्स टू इंटरकास्ट मैरिज। और उसी रीजन से 2018 में भी इंटरकास्ट मैरिज इज ऑलमोस्ट अ मिथ। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 5% लोग ही ऐसे हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज को फॉलो करते हैं। बाकी के लोग अरेंज मैरिज करके 3 से 4 परिवार बर्बाद करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हर रोज मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें से 1 या 2 केस होते ही है जिसमें बात होती है इंटरकास्ट मैरिज की, फिर भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी बात को जब आपको समझाना होता है ना, तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैं आपके साथ डायरेक्टली बात कर सकता हूँ और कहीं ना कहीं आपको वो बात समझ आती है या फिर आप ट्राई करते हैं। पर जब बात आती है आपके पेरेंट्स को समझाने की, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को मेरी और आपकी बात से ज्यादा समाज की बातें असर करती है। समाज क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी की शादी किसी और कास्ट में करवाएंगे तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, खुद के समाज की लड़की को छोड़ के किसी और के समाज की लड़की को हम घर लाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। अरे हमारे समाज का खून हमारे समाज में ही रहना चाहिए, बाहर का खून ऐड करके ब्लड लाइन डाइल्यूट नहीं करनी हमें। अरे लड़के को नहीं जानते, उसकी फैमिली को नहीं जानते, तो हमारी लड़की ऐसे ही कैसे दे दे, उनके कल्चर के साथ हमारा कल्चर मैच नहीं करता है, बहुत सारे झगड़े होंगे, हमारे बच्चों को बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एक साथ खुश नहीं रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे लॉजिकल और इलॉजिकल रीजंस से पेरेंट्स को और समाज को इंटरकास्ट मैरिज से प्रॉब्लम है। वैसे तो पेरेंट्स आपकी बात को नहीं मानेंगे क्योंकि वो आपसे ज्यादा उनके समाज को ज्यादा प्यार करते हैं। स्टिल कुछ बातें हैं जो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं अबाउट इंटरकास्ट मैरिज। इंडिया में सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज हुए थे 1889 में, 4 फरवरी 1889 यशवंत और राधा की शादी हुई थी। यशवंत यानी ज्योतिराव और सावित्री फुले के बेटे और राधा यानी ज्ञानोबा कृष्णा ससाने की बेटी, ये सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज थे। और उस बात को 125 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर फिर भी हमारी सोच अभी भी वही की वही है या फिर उससे भी पहले वाली है। सो डियर पेरेंट्स, माना कि आपको अपने बच्चों से ज्यादा अपनी इज्जत और समाज की बातें ज्यादा प्यारी है, मान लिया, पर मेरे इन कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि आपका खून आपके समाज में ही रहना चाहिए, बाहर के खून को ऐड करके आप अपनी ब्लड लाइन को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, मतलब खुद के गधे के साथ शादी करवाएंगे पर बाहर के घोड़े के साथ शादी नहीं करवाएंगे। चले इसी बात को साइंस के नजरिए से देखते हैं। जब हम छोटे थे तब साइंस में एक चैप्टर आता था हाइब्रिड का। जब एक एनिमल जिसकी हायर ब्रीड होती है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके स्पर्म को उसी एनिमल के नॉर्मल ब्रीड के साथ जब मैच किया जाए तो उसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। हाइब्रिड संकरण पद्धति, रिमेम्बर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एनिमल्स में नहीं है, ह्यूमंस में भी है। साइंटिफिक रिसर्च ऐसा सजेस्ट करता है कि एक ही जेनेटिक्स के इंसान जब एक साथ आगे बढ़ते हैं तो एक वक्त के बाद उनके जेनेटिक्स बहुत वीक पड़ जाते हैं, पर अगर उसी जेनेटिक को किसी और जेनेटिक के साथ जोड़ा जाए, किसी स्ट्रॉन्गर जेनेटिक के साथ जोड़ा जाए, तो उसकी प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। मतलब आपके पोते पोती ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा स्मार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जेनेटिक्स। इनफैक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट इंटरकास्ट मैरिजेस आर इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड अ यूनिफाइंग फैक्टर फॉर द नेशन and there is no bar in intercaste or inter-religion marriages in India. पर ये बात डिफर करती है फ्रॉम कास्ट टू कास्ट एंड ब्रीड टू ब्रीड। फिर आप ऐसा भी कहते हैं, अरे लड़के को नहीं जानते, उसकी फैमिली को नहीं जानते, तो हमारी लड़की ऐसे ही कैसे दे दे। मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद भी, इतना आगे आने के बाद भी हम रहे तो कुपमंडुक, यानी कि हमें कुछ भी नया सीखना ही नहीं है, मतलब जिंदगी में नए कल्चर को जानना ही नहीं है, नए रीति रिवाज को पहचानना ही नहीं है, दूसरों की अच्छी बातें अडॉप्ट करनी ही नहीं है और अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करनी है ना। फिर आप ऐसा भी कहते हैं, उनके कल्चर के साथ हमारा कल्चर मैच नहीं करता है, बहुत सारे झगड़े होंगे, हमारे बच्चों को बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एक साथ खुश नहीं रहेंगे। अरे यार झगड़े कहाँ नहीं होते, एडजस्टमेंट कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। और इंग्लिश में एक वर्ड है मैच्योरिटी, जब दो इंसान थोड़े मैच्योर होते हैं, एक दूसरे के प्यार में होते हैं, तो वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके उनके कल्चर को जानने का ट्राई करते हैं और हो सके तो फॉलो करने का भी एक ट्राई करते हैं, और अगर फॉलो ना हो सके तो भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास करते हैं। पर ये सारी बात जाने बिना आपने खुद ने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि हमारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अरे यार सीधा बोलो ना कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और रही बात उन 4 लोगों की, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग की, हमारे बच्चे की शादी अगर किसी और कास्ट में हो गई तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताओ,
क्या गारंटी है कि आप अपने ही समाज में अगर उस लड़के या लड़की की शादी करवाते हैं तो वो सक्सेसफुल होगी? क्या गारंटी है? खुदा ना खास्ता अगर वो सक्सेसफुल ना रही तो उसकी भी क्या गारंटी है कि वही समाज आपके पीठ पीछे आपकी बात नहीं करेगा? क्या गारंटी है? बहुत सिंपल सी बात है, समाज को आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके बारे में सिर्फ दो घड़ी बात करेंगे, तीसरी ही घड़ी वो किसी और फैमिली के बारे में बात करेंगे, उनको पकड़ेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो सिर्फ दो घड़ी के बेगाने लोगों के लिए खुद के लोगों को लाइफ टाइम दर्द क्यों देते हो? एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ अ फ्यू सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस कि जो कई सालों से इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं और खुद फॉलो भी कर रहे हैं। स्टिल ये लाइफ टाइम डिसीजन की बात है तो सिर्फ मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि हर कोई केस बिल्कुल सीधा साधा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लड़का या लड़की उतने मैच्योर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लड़का और लड़की दोनों कमाते हो, वेल सेटल्ड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि प्यार में इंपल्सिव हो के आगे का ना सोच के साथ में रहने का सोच लेते हैं, उसके बाद आपकी ना की वजह से पूरी बात और नेगेटिव हो जाती है। तो उस वक्त हो सके तो एज पेरेंट्स उनको समझाने का ट्राई कीजिए, ना कि किसी रिलीजन या फिर किसी कास्ट के मेंबर के तौर पे अपने विचारों को उन पे थोपे। ना, डोंट डू दैट, बिकॉज आप माने या ना माने समाज को आपके बारे में सिर्फ दो ही मिनट बात करनी है, तो सिर्फ दो ही मिनट के लोगों के लिए पूरी जिंदगी किसी की क्यों बर्बाद करनी? आपके बच्चों की भी जिंदगी है, उनको भी जीने का हक है। थिंक अबाउट इट। और एक आखिरी टिप टू ऑल द यंगस्टर्स की जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं फॉर इंटरकास्ट मैरिज, अगर सभी इलॉजिकल रीजंस में आपके या फिर आपके पार्टनर के फैमिली वाले नहीं मानते होंगे ना, फिर भी एक ऐसा रीजन है कि जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स मानते होंगे, एंड दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो प्यार व्यार सब ठीक है पर पैसे बहुत जरूरी है। दैट मीन्स सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरेगा, पैसे चाहिए होंगे और वो दोनों को चाहिए होंगे। तो सिर्फ शादी 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 की जगह पे ये भी सोचो कि आप लोग जब साथ में रहोगे तो क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं, अगर नहीं है तो पहले उसके बारे में काम करो। सो हाँ, प्यार में पड़ो पर पैसों में तो राइस चाहिए ही होगा, तो अपने आप को फाइनेंशियली और मेंटली उतना काबिल बनाओ कि जिसको देख के सामने वाले या आपकी फैमिली वाले राजी हो जाए, फिर एटलीस्ट सोचे कि हाँ भाई इंटरकास्ट मैरिज है पर ये बात है, इस पॉइंट की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। उतना अपने आप को काबिल बनाओ। दैट्स इट, गुड लक। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है देन प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपका कोई डिस्कशन है, आपकी कोई स्टोरी है रिगार्डिंग इंटरकास्ट मैरिज, आपकी कोई व्यूज हैं रिगार्डिंग इंटरकास्ट मैरिज, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नए हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। की मुस्कुराना। बाय बाय।